हजरत दाता पीर बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह का और सौहार्द से संपन्न कव्वाला सबा रंगीली व कव्वाल शाहरुख खान के बीच हुआ कव्वाली का जबरदस्त मुकाबला सुनवाऊंगा उन्हीं की सभा में। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। पलामू के हुसैनाबाद दाता पीर बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दूसरे दिन दाता पीर बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार स्थित ग्राउंड में एक कव्वाली का भव्य आयोजन किया गया। इस कव्वाली के बेहतरीन मुकाबले में आगाज से पूर्व स्टेज पर जलवा अफरोज खसूसी अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप में फीता काटकर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। संयुक्त रूप से फीता काटने वालों में कमेटी के संयोजक इब्राहिम सेठ, पलामू जिप उपाध्यक्ष आलोक कुमार उर्फ टोटो सिंह, राजद प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के संजय कुमार यादव, कांग्रेस पलामू जिला उपाध्यक्ष मसरूर अहमद, राज अली प्रमुख, राजकुमारी देवी टुन्ना सिंह, डॉक्टर एजाज आलम, सैयद नौसाद व अन्य कमेटी के मुख्य लोग उपस्थित थे। वादे करता चलूं कि कव्वाली के आगाज से पूर्व शहर का भ्रमण करते हुए दाता पीर बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर राइन कमेटियों के द्वारा चादर पोशी की गई। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कव्वाली का आगाज हमद पाक से कव्वाल शाहरुख साबरी ने किया। कार्यक्रम रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक चलता रहा। कलाम हम मुस्तफा वाले हैं, हम अली वाले हैं, वह बेटियां जन्नत की कुंजियां जैसे कलाम ने खूब वाहवाही। वहीं कव्वाला सबा रंगीली ने भी जवाबी मुकाबला श्रोताओं के लिए पेश किया और सुनने वालों के दिल जोई की और अपनी शीरी आवाज से लुत्फ अंदोज किया। सबा ने कार्यक्रम में हजारों दर्शकों की उपस्थिति ने चार चांद लगा दिया।
कहें कि कार्यक्रम की खूबसूरती देखने को उस वक्त और भी मिली जब सभी जाति धर्मों के लोग उपस्थित थे। लोग रात भर शांति पूर्वक और सभ्य अंदाज में कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में कहें तो हर उम्र के लोग उपस्थित थे। महिलाओं ने भी देर रात तक खानकाही कव्वाली का लुत्फ लिया। खास तौर से कहूं तो कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन ने भी हुसैनाबाद थाना प्रभारी की उपस्थिति में बड़ी चाक चौबंद रखा। कहीं से किसी तरह की अभद्रता या सुरक्षा मानकों में कमी देखने को नहीं मिली। ऐसा चेहरा मेरे हुजूर।